ओके सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग डबल टोन इफेक्ट को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं अपने फोटोज़ के अंदर। तो लाइक अगर आपके पास कुछ इस तरीके की फोटो है तो आप लोग ज़रूर से ये इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको क्या करना होगा, सिंपल से अपनी PNG को एक ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर चिपका देना होगा। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको कलर स्मोक की PNG मिल जाएगी, आप लोग चाहे तो वो यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ऐसी कोई सी भी फोटो नहीं थी तो डायरेक्ट मैंने गूगल से डाउनलोड कर दिया क्योंकि मैं वीडियो बना सकूँ। एंड यहाँ पर आपको क्या करना होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको PNG की लिंक दे दूंगा, आप लोग जाइए एंड डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे ऐड फोटो, एंड यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो को ऐड कर लिया है। तो इसको हम लोग यहाँ पे जस्ट सिंपल से सेट कर देंगे इस फोटो के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से इसको सेट। सो आई होप यहाँ पे ये सेट हो जाएगा। तो ये हो चुका है सेट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे जाएंगे टैप एंड इरेज। तो यहाँ पे हम लोग फेस को इरेज कर लेंगे लाइक कुछ इस तरीके से। मतलब इरेज मीन्स की मतलब बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर दिखा देंगे, ये रेड कलर जो है उसके ऊपर सिटक को कुछ इस तरीके से एंड साइज को ऐसे रख देता है। एंड यहाँ पे मैं बीच का ये जो पार्ट है इसको थोड़ा सा वाइट कर लेता हूँ, एंड ये क्योंकि ज़्यादा रेड दिख रहा है। एंड या तो ये हो चुका है हमारा पार्ट रेडी। तो यहाँ पर चलेंगे बैक एंड इसको कर देंगे कुछ इस तरीके से सेट। तो ये जो हो चुका है सेट, तो हम लोग सिंपल से इस फोटो को क्या करेंगे, सेव कर लेंगे एंड चलते हैं लाइट रूम में। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं लाइट रूम में। तो इसके अंदर हम लोगों को ज़्यादा एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को हाई कर देना होगा जिससे कि ये फोटो एकदम रियल लगेगा। एंड बहुत ही तोड़ फोटो लग रही है, बहुत ही अमेजिंग लग रही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हाईलाइट्स को यहाँ पे 30% तक लो कर देंगे एंड शेडोज़ को मैं यहाँ पे 10% तक हाई कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, वाइट्स में कुछ नहीं करना है, जस्ट ब्लैक में जाना है एंड यहाँ पे इसको भी 10% तक हाई कर लेना होगा। एंड यहाँ पे जस्ट आपको कलर टोन के अंदर जाना होगा एंड ये जो पिंक कलर है ना इसको आपको हल्का सा 10% तक कर लेना होगा। एंड वाइब्रेंस को यहाँ पे आपको 25% तक कर लेना होगा एंड सेचुरेशन को 10% तक। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ, मैं ये हर वीडियो के अंदर ये ट्रिक करता ही हूँ। इससे क्या होता है, फोटो एकदम फोटोशॉप जैसा लुक आ जाता है फोटो के अंदर ये वाइब्रेंस एंड सेचुरेशन का करने के बाद, राइट। तो यहाँ पे अगर आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं अपने फ़ोटो के हिसाब से, लेकिन मैं अभी नहीं करना चाहूँगा। तो यहाँ पे जस्ट टैप कर लेते हैं एंड चलते हैं मिक्स पे। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, जो ब्लू कलर है इसकी सेचुरेशन और ज़्यादा बढ़ा देंगे एंड ये जो रेड कलर है, सॉरी पिंक कलर है, इसकी सेचुरेशन और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। सो आई थिंक ये वाला कलर है वो, हाँ ये वाला कलर है, इसकी सेचुरेशन और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। एंड उसके बाद अगर आप चाहे तो अपनी स्किन टोन मतलब हाई कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो मैं इसको लो करूँगा तो ये थोड़ा ब्लैक हो जाएगा। तो मैं आई होप कि यहाँ पे मैं एकदम मीडियम रखूँ 11 या 10% तक। तो यहाँ पे मैं 15% तक कर देता हूँ, वो भी चलेगा क्योंकि इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिख रहा है। एंड यहाँ पे इतना होने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे आ जाना है टेक्सचर में एंड क्लियरिटी को आपको कर देना होगा 55% तक हाई। जो क्लियरिटी होती है मेन होती है एंड इसकी वजह से आपका फोटो बहुत ही बॉम्ब दिखेगा। आपको अभी मैं दिखा देता हूँ बिफोर एंड आफ्टर करके। सो ये है बिफोर एंड आप देख सकते हैं ये है आफ्टर। तो ये फोटो इतना अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको भी 15% तक कर देंगे दैस को एंड यहाँ पे ग्रेन अमाउंट को बढ़ा देंगे जिससे कि फोटो आप कहीं पे भी अपलोड करोगे तो आपकी फ़ोटो फटेगी नहीं। इसको हम लोग कर देंगे 7% तक। एंड इसके बाद यहाँ पे शार्पनेस आप अपने फ़ोटो के हिसाब से रख दीजिए, मतलब आपका फ़ोटो अगर कैमरा से क्लिक किया है तो इतना ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं, अगर मोबाइल से क्लिक किया है तो आपको 15% तक तो रखनी ही पड़ेगी। तो ये फोटो इतनी अच्छी है तो मैं 20% तक रखूँगा। एंड यहाँ पे नॉइज़ रिडक्शन आप लोग चाहे तो रख सकते हो, मैं आई थिंक रखना पसंद करूँगा क्योंकि फ़ोटो जितनी स्मूथ होती है एंड जितना ग्रेन अमाउंट फोटो के अंदर होता है फोटो इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही होगी। एंड अगर नए हो तो यार लाइक करो एंड कॉमेंट कर दो, सब्सक्राइब तो आई थिंक बनता है क्योंकि अगर आपको मज़ा आया होगा तो सब्सक्राइब आप लोग कर ही दोगे। एंड ये है बिफ़ोर एंड ये है आफ्टर। तो अभी मैं आपको जूम करके फेस दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं शार्पनेस कितनी ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पे मैं 20% तक भी कम कर देता हूँ, 15% तक कर लेता हूँ एंड 15 ओके हो गया 15% तक। तो ये कुछ मीडियम लग रहा है ओके। अब आपको क्या करना होगा, जस्ट आपको यहाँ पे जाना होगा, अगर आप चाहे तो विंटेज इफेक्ट दे सकते हैं। आई होप कि मतलब मेरे को नहीं लगता कि आपको ये फ़ोटो के अंदर विंटेज इफेक्ट देना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप चाहे तो लाइट इफेक्ट दे सकते हैं, लेकिन मैं नहीं दूंगा क्योंकि इस फोटो के अंदर हमको जितना हो सके उतना अट्रैक्टिव उस फोटो को बनाना है। एंड यहाँ पे चलते हैं मॉडर्न इफेक्ट में एंड मॉडर्न के अंदर अब मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग चाहे तो मॉडर्न 2 को सिलेक्ट कर सकते हो या फिर मॉडर्न 4 को सिलेक्ट कर सकते हो। पर्सनली मैं आपको प्रिफर करूँगा कि आप लोग मॉडर्न 4 या मॉडर्न 6 यूज़ करें
क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं एकदम पोर्ट्रेट इफेक्ट दिखेगा। अगर आप हाई कर दोगे ना तो एकदम बॉम्ब इफेक्ट आएगा, राइट। आप दो इफेक्ट करके फोटो को सेव कर सकते हो, ये भी इफेक्ट बहुत ही सही लग रहा है मेरे को। एंड मॉडर्न फोर इफेक्ट तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे चलेंगे एंड इसको कर लेंगे 50% तक माइनस एंड कुछ इस तरीके से। अगर आपको लग रहा है कि आपका फ़ोटो के अंदर ज़्यादा ब्राइटनेस आ रही है तो आप चाहे तो यहाँ से इसकी मतलब ब्राइटनेस को आप कम कर सकते हो, लेकिन मैं इसको नहीं कम करूँगा, 10% तक कम कर देता हूँ। लाइक इतना कुछ आपको फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं कम 12 एंड आप देख सकते हो बिफ़ोर एंड आफ्टर। ये जो फ़ोटो के अंदर आपने इफ़ेक्ट दिया, इसका ये ऐप का लिंक आपको नीचे लाइट रूम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास स्पेशली मतलब ये स्मोक वाला फ़ोटो नहीं है तो आपको नीचे मैं कलर स्मोक की भी लिंक दे देता हूँ, आप अपने फ़ोटो के अंदर यूज़ करिए। एंड सेम टू सेम आपको लाइट रूम के अंदर आके कुछ मेहनत नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट पिक्सआर्ट में जाओ, PNG ये वाली चिपकाओ एंड लाइट रूम में आके कॉन्ट्रेस्ट वगैरह एंड फोटो की क्वालिटी वगैरह थोड़ी बढ़ा दो, बस हो गया, फोटो एडिट एंड अपलोड कर दो। ओके, इतनी सिंपल सी ट्रिक है। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चलिए बाय बाय, मिलता हूँ किसी और एक एक्साइटिंग वीडियो में।